वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की जो फेज टू की एग्जाम चल रही है, इनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कल लास्ट पेपर है, टेस्टिंग कमिश्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी TCEE। तो दोस्तों, मेरे जितने भी व्यू है, इनमें मैंने एक स्टूडेंट को बताया कि सर, आप समरी वीडियो, समरी क्वेश्चन के वीडियो बना दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन और IMP टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो मैं वीडियो मेरे व्यूअर की वजह से मैं बना रहा हूँ, उसकी रिक्वेस्ट थी, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो आप अंत तक देखिए और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आपके लिए आफ्टर इंजीनियरिंग के बाद आपको जॉब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए और आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ डेली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की जितनी भी वैकेंसी निकलती है, इसके वीडियो में स्वयं स्टडी चैनल के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के वैकेंसी के प्लेलिस्ट में मैं अपडेट करता हूँ, तो आप भी देख लेना। प्रीवियस वीडियो था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में वैकेंसी थी, 2000 वैकेंसी थी वो। यहाँ पर हम टॉपिक पे आते हैं। TCEE के समरी क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाला है। टेस्टिंग कमिश्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी टेस्टिंग के ऊपर आएगा। सबस्टेशन टेस्टिंग होगा, ट्रांसफार्मर होगा, ब्रेकर होगा, जनरेटर होगा, आइसोलेटर होगा, सबका टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा। और टेस्टिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा रूटीन टेस्ट, टाइप टेस्ट और स्पेशल टेस्ट में से क्वेश्चन आपका आने वाला है। इंस्टॉलेशन है, ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग, साइट पर कैसे कमिश्निंग करते हैं, साइट से पहले कौन से कमिश्निंग करते हैं, कौन से टेस्ट साइट पर किया जाता है, कौन सा टेस्ट साइट पर नहीं किया जाता, कौन सा टेस्ट इंडस्ट्री में किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बनने वाला है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेगर से क्वेश्चन आने वाला है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आने वाला है, पोलराइजेशन इंडेक्स से क्वेश्चन आने वाला है। मेगर का क्वेश्चन एक आने वाला है कि मेगर से क्या क्या मेजरमेंट होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एज वेल एज आप कोई भी डिवाइस का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। और मेजर क्वेश्चन आने वाला है इंसुलेटर पर आएगा, कौन सा इंसुलेटर कितने केवी पर यूज होता है। और इंसुलेशन पर भी आएगा लाइटिंग अरेस्टर क्यों यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में, सबस्टेशन में अर्थ पोटेंशियल क्या है, वो सब आएगा। अर्थिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, और कितने टाइप के रोड होते हैं, कौन सा रोड किस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, कितना मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस होना चाहिए, अर्थ रेजिस्टेंस किन से ऊपर डिपेंड करते हैं, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये समरी क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ, और जो मैंने टोटल 10 पार्ट अपलोड किए, वो 10 पार्ट आप देख के जाओगे डेम शोर, मैं आपको बोलता हूँ आपकी एग्जाम में 30+ क्वेश्चन आने वाले ही है। और आपके लास्ट एग्जाम में दोस्तों आपका एक्सपीरियंस होगा ही PQM सब्जेक्ट में, PQ और एनर्जी ऑडिट सब्जेक्ट में, पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, और जो पहला पेपर था वो दो पेपर का आपको एक्सपीरियंस है। आपका पेपर PSOC का बहुत टफ था, इसके लिए मैंने ग्रेसिंग का मार्क्स के लिए मैंने वीडियो भी अपलोड किया। मेरे क्वेश्चन में से 22 ही क्वेश्चन आए थे, मैंने वीडियो जो अपलोड किए थे। और TCEE में डेम श्योर आपको बोलता हूँ आपके एग्जाम में जो मैंने अभी टॉपिक बताया, इतने टॉपिक आप पढ़ के जाओगे आपके एग्जाम में 30+ क्वेश्चन आने वाले। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर की रिगार्डिंग भी आएगा, वोल्टेज बूस्टर क्या है, वोल्टेज बूस्टर का यूज़ क्यों होता है, रेगुलेशन कितना होना चाहिए, कितना लोड होना चाहिए, सब क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। समरी क्वेश्चन थे, वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए, वीडियो अपडेट कर दिया तो वीडियो देख लीजिए, और इतने टॉपिक आप पढ़ के जाओगे आराम से आपके एग्जाम में पास हो जाओगे और अच्छा स्कोर होने वाला है। तो वीडियो शेयर कर दीजिए और फॉलो कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।